नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्रीकल्चर की दुनिया में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बताने जा रहे हैं जब हमारा धान 65 से 70 दिन का हो जाए या उससे ज़्यादा दिन का हो जाए तो उस टाइम हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो। ठीक है, तो जब हमारा धान ज़्यादा में ज़्यादा 65 से 70 80 90 दिन का होता है तो फ्लावरिंग टाइम होता है, दूसरा हमारा मिल्किंग स्टेज होती है, फिर हमारा पकने का स्टेज होती है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में BPH लगता है और जो फंगल डिजीज होते हैं वो बहुत लगते हैं। जो फंगस से रोग फैलते हैं वो बहुत फैलते हैं, जिससे कि झूठा कंडुआ आ जाता है, नेक ब्लास्ट आ जाता है, लिप ब्लास्ट आ जाता है, या काला दाना पड़ जाता है, BPH आ जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा खेत हमारा झुलस जाता है। ठीक है, तो इन्हीं समस्याओं के बचाव के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा समाधान है वो हमारी कुछ दवाइयां हैं जिनका कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप अगर इन दवाइयों को समय से लगाते हैं तो आपको इनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जैसे कि हमारा ये धान आपको दिख रहा है, इसमें सभी चीज़ टाइमली लगाई गई हैं जिससे कि इसका पूरा का पूरा बाल एकदम भरा हुआ है और पीला है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हमें क्या चीज़ किस टाइम लगानी है। तो हमारे ज़्यादातर धान 65 से 70 दिन के हो गए हैं या निकल आए हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमें अगर हमारे निकले नहीं हैं तो आप CTPR के साथ लैम्डा प्लस कोई भी टेक्निकल फंगस आप एमस्टार टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, नेटिबो लगा सकते हैं या गैलीलियो भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही हमारे धान निकल आते हैं, निकलने के बाद हमें क्या करना है, आपको 120 ग्राम चैस लेना है और एमस्टार की 200 ml डोज लेनी है। ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। और उसके साथ ही कई दवाइयां आती हैं, गैलीलियो बे आता है, गैलीलियो बे सेंसा आता है, गैजको आता है, नेटिवो आता है, नेटिवो और कस्टूडिया आता है। इन्हें हम धान में प्रयोग करते हैं तो कोई भी फंगल जो इन्फेक्शन होता है, डिजीज हो होता है वो नहीं लगता है और हमारा धान एकदम पीला होके पकता है, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा रेट देता है और एकदम भर के आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो